है। पुलिस के आला अधिकारी अपने कुनबे का बचाव कर रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत गर्म हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता है, और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं, तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भाजपा ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कद्र नहीं है। विपक्ष मेरठ के इन पुलिस वालों पर बरस रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं जो पुलिस वालों के साथ खड़े हैं। इन्हीं में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती भी शामिल हैं। उनका ट्वीट देखिए, मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पुलिस को माँ बहनों की गालियाँ दे रहे, पत्थर फेंक रहे, आगजनी कर रहे दंगाइयों से यह कहना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते समय यह मानवीय पक्ष भूल रहे हैं कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं तथा देशभक्ति का जज्बा उनमें प्रबल होता है। ऐसे में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना इन दोनों भाई बहनों की घिनौनी साजिश है। ऐसी सरपरस्ती को सलाम है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खराब से खराब स्थिति में भी क्या एक पुलिस अधिकारी को ऐसी भाषा बोलने की अनुमति मिल सकती है? क्या ऐसी बातों से हालात और नहीं बिगड़ेंगे?